दुनिया हजार रंग से मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद सुमरो, सलाम अर्ज है। दोस्तों, आज ईद का तीसरा दिन 19 जून 2024 और टाइम शाम के 3 बजने वाले हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद मीरपुर खास सेक्शन की एक स्टेशन ताजपुर नसरपुर पर खड़ा। ये स्टेशन ऑपरेशनल वर्किंग के लिहाज से है, यहाँ पर किसी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, यहाँ सिर्फ क्रॉसिंग पर्पस के लिए ये स्टेशन बनाए गए हैं। ये एक तारीखी स्टेशन है, इसका असल नाम किसानों रेलवे स्टेशन था। ईएच एंटिकन की गजट में भी किसानों के नाम से इसका जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर रेल फैनिंग करेंगे और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही एक्शन दस्तियाब होंगे और वो आपके नज़र करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में गाड़ियाँ बहुत कम हैं। और उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे ताजपुर नसरपुर के कुछ रंग। मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे, तो चलिए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। ताजपुर नसरपुर की यह है मरकजी बिल्डिंग, विंटेज किस्म की बिल्डिंग, ब्रिटिश दौर की बनी हुई, जो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। दोस्तों, इस ताजपुर नसरपुर का असल नाम खिसानो है, आपने खिसानो मोरी भी सुना होगा, तो उस मकाम का नाम भी इसी खिसानो से है। कहते हैं कि माजी में खिसराय खिसानो बहुत बड़ा व्यापारी था और उसका कारोबार कश्तियों के ज़रिए चलता था। तो ये हम इस बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। ये ओपन वेटिंग हॉल, सीमेंटेड बेंचेस इस तरफ लगी हुई हैं, साथ में ये नोटिस बोर्ड। किसी दौर में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थीं और इसकी गवाही यहाँ ये काउंटर, बुकिंग काउंटर दे रहा है। कभी टिकटें चलाई जाती थीं और ये है बोर्ड जहाँ पर स्टेशनों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। मगर काफ़ी अरसाए दराज से ये स्टेशन कमर्शियली क्लोज है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये इस तरह पौधे की सेटिंग रखी गई है, कटाई की गई है कि मेहराब बन गई है। और मेरे बाएं जाने इंतज़ारगाह दर्जा दोएम जनाना, सेकंड क्लास लेडीज़ वेटिंग रूम। माशाल्लाह काफ़ी हवादार, तीन तरफ से ये जालियां लगी हुई हैं ताकि हवा की क्रॉसिंग हो सके। ज़बरदस्त है वाकई, यहाँ अंदर आकर जो ठंडी हवा के झोंके हैं। तो ये बाहर का मंज़र है, सामने मस्जिद। इस बरामदे में ये पहला कमरा लगता है कि ये पार्सल ऑफिस होगा किसी दौर में, और आगे दफ्तर स्टेशन मास्टर। दोस्तों, इस वक्त हम एसएम ऑफिस के अंदर हैं और सामने आप यहाँ देख रहे हैं ये पैनल वर्किंग है, यहाँ पर इंटरलॉक कैबिने हैं। और अगर स्टेशन मास्टर साहब जहाँ जिस लाइन पर गाड़ी को नॉमिनेट करते हैं तो कैबिन से नंबर एक्सचेंज करते हैं। और ये है वो विंटेज टेलीफोन ब्रिटिश दौर का, जो आज भी हमने संभाल के रखा हुआ है। पेपर लाइन क्लियर सिस्टम के तहत यहाँ की गाड़ियाँ वर्किंग करती हैं। जबरदस्त दोस्तों, आज हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ सिंध के एक मुअर्रिफ और शायर जनाब खलील खोखर साहब साथ साथ इस एक्सप्लोरेशन में हमारा साथ दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ताजपुर नसरपुर के हवाले से तारीखी तौर पर क्या हकायक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताजपुर नसरपुर के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि नसरपुर जो एक कदीम शहर है और सिंध का तख्त गाजी रहा है। इधर बहुत सी चीज़ें हैं और ये सांगरो दरिया के किनारे पे नसरपुर आबाद है। इधर सिंधी काफ़ी का यानी बादशाह
सिंधी काफ़ी का बादशाह हज़रत मिस्री शाह इमाम, उनकी भी दरगाह नसरपुर में है। और बहुत से चीज़ें जो हैं वो यानी काशी है, पुराने खेस कपड़े बनते थे, उसके कारखाने जिसको सिंधी में आटाना बोलते हैं वो कारखाने मौजूद हैं। अभी तो वो ख़त्म हो गए हैं जिद्दत की वजह से। सही। नसरपुर जो एक बड़ी तारीख रखता है, तकरीबन 800 साल पुराना शहर है ये नसरपुर। सही। उनके बाद जो ताजपुर है, ये ताजपुर जो है कल्होड़ा दौर के यानी कल्होड़ा हुकुमरान के एक वज़ीर थे, ताजू लेखी यानी हिसाब किताब करने वाला, लेखा करने वाला उसको बोलते हैं, उसके नाम पर ये ताजपुर शहर बना है। ये उनकी जागीर थी, उधर रहता था, ये अलग मौजू है, लेकिन ताजपुर ताजू लेखी की वजह से मशहूर है, उनके नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। सही। इधर जो अभी है सिंध के कादरुल कलाम शायर ताजपुर में है, नवाब वली मोहम्मद, उनकी इधर आखिरी आरामगाह है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ताजपुर नसरपुर, इस स्टेशन से नसरपुर कोई 7-8 किलोमीटर शुमाल की जानिब है और ताजपुर भी करीब पड़ती है। रेलवे स्टेशन के बारे में, ये जब अंग्रेज़ों ने रेल निकाली तो इस दोनों शहर करीब थे, इस वजह से इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा ताजपुर नसरपुर। कहा जाता है कि पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम खेसानो रेलवे स्टेशन था, लेकिन अभी ताजपुर नसरपुर मशहूर है। इधर एक खसूसी बात मैं आपको बताऊं, इस रेलवे स्टेशन के बारे में कि इधर एक कुआं है, उस कुएं का मीठा पानी राजा की रेल जो इधर से गुजरती थी, जोधपुर जाती थी, इस कुएं का मीठा पानी राजा उमेंद्र सिंह जो जोधपुर में रहता था उसके पीने के लिए इस कुएं से पानी जाता था। माशाल्लाह। और दूसरी बात, नसरपुर के तरबूज खरबूज ये भी रेलगाड़ी में राजा उमेंद्र सिंह के यहाँ जोधपुर जाते थे, ये इस स्टेशन की बड़ी खसूसियत है। स्टेशन के बिल्कुल साथ जामन का दरख्त, वाह वाह, बेहतरीन घना दरख्त, क्या बात। दोस्तों ये चीकू का दरख्त है और उसके साथ साथ जामन का। ताजपुर नसरपुर की एक खसूसियत यह है कि यह स्टेशन चारों तरफ से बागात के घेरे में है। यूँ तो ये बागात हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक चलते हैं, ये पूरा बेल्ट बागात का है, मगर ताजपुर नसरपुर स्टेशन चारों तरफ से केले और आम के बागात से लबरेज है। स्टेशन के बिल्डिंग के सामने ये छोटी सी क्यारियाँ बनी हुई हैं जिसके ज़रिए ये फूल पौधे वगैरह। दोस्तों गर्मी बहुत है, अभी 3:30 का टाइम है और स्टेशन स्टाफ की तरफ से, स्टेशन मास्टर साहब की तरफ से ये हमारे लिए कुछ गर्मी का तोड़ कुछ लेते हैं, चुस्कियाँ स्प्राइट की। बहुत शुक्रगुजार हैं स्टाफ के हम, इन्होंने हमें इज्जत बख्शी। दोस्तों इस वक्त हम राशिदाबाद एंड पर खड़े हैं और ये नेमिंग बोर्ड 3 जुबानों में लिखा हुआ ताजपुर नसरपुर रोड। रोड इस वजह से कि यहाँ असल जो शहर है वो 7-8 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसको ताजपुर नसरपुर रोड के नाम से जाना जाता है। इस तरफ राशिदाबाद और टंडो अलहयार और हमारे इस जानब इस सेक्शन पर टंडो जाम। दोस्तों 3 लाइनों पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा स्टेशन, सूरत हाल आप देख रहे हैं,
पूरे प्लेटफॉर्म पर अब ये झाड़ियाँ उग गई हैं। दोस्तों ये एक ऑपरेशनल स्टेशन है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती, सिर्फ क्रॉसिंग पर्पस के लिए इस स्टेशन को अभी तक रखा हुआ है। मगर माजी में यहाँ पर बहुत कुछ था, स्टेशन बिल्डिंग के साथ और पुराना स्ट्रक्चर, पार्सल गोदाम लगता है। तो दोस्तों ताजपुर नसरपुर ना सिर्फ अपनी हरियाली और जरखेज़ी की वजह से मशहूर है, मगर यहाँ पर सिंधी काफ़ी के बादशाह मिस्री फ़कीर भी रहते थे, उनकी मज़ार शहर की तरफ है। उसके अलावा एक और बड़े बहुत बड़े शायर, सूफ़ी शायर नवाब वली मोहम्मद भी ताजपुर नसरपुर के रहने वाले थे। ताजपुर नसरपुर की काशी आज भी दुनिया भर में मशहूर है। लुंगी खैस वगैरह ये तो माजी का किस्सा बन चुके हैं, मगर यहाँ की काशी आज भी चलती है। ये हमारे साथ इस ट्रिप में यामीन भाई भी साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, यामीन ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है, ऐसी गर्मी में आपने यार ये प्रोग्राम बना दिया है ताजपुर नसरपुर का, कैसे लग रहा है यहाँ पर आज? गर्मी तो है लेकिन एंजॉय भी बहुत हो रहा है, क्योंकि हवा भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ज़बरदस्त, चारों तरफ आप नज़ारे देखें, कितना ज़बरदस्त आम के जो बागात हैं ना, उसके बाद ही कुछ और है। दोस्तों ये बिल्कुल झाड़ियों में एक नादर नमूना, एक नादर चीज़ आपको दिखाते हैं, पानी का वो विंटेज किस्म का कुआं, ऐसा तारीखी कुआं जिसके लिए कहा जाता है कि महाराजा जोधपुर उम्मीद सिंह और उनकी बेगम जोधाबाई के लिए पानी यहाँ से लिया जाता था। रास्ता बहुत कठिन हो गया है, हर तरफ झाड़ियाँ उग गई हैं और ये झाड़ियों के बीच में माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये है वो शाही कुआं जहाँ से राजा उम्मीद सिंह और उनकी बीवी जोधाबाई के लिए पानी जोधपुर तक जाता था। काफ़ी गहरा कुआं है, पानी बहुत नीचे है और ज़ाहरी बात है इस्तेमाल में नहीं है, तो ये पानी गंदा भी जोड़ की शक्ल में होगा, मगर ये तारीख का हिस्सा है कि यहाँ से पानी जोधपुर तक जाता था। और आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि टंडोलायार डिस्ट्रिक्ट में दो ऐसे शहर हैं जिनका पानी आज भी प्योर है और बहुत ही मशहूर है, एक ताजपुर नसरपुर, दूसरा बुकेरा शरीफ। दोनों शहरों का पानी आज भी टॉप लेवल का है। तो ये आप देख रहे हैं वो तारीखी कुआं जहां से महाराजा जोधपुर के लिए पानी जाता था, क्योंकि बेसिकली ये रेलवे ट्रैक जो है वो राजा की रेल कहलाता था। राजा जोधपुर उम्मीद सिंह के इन्वेस्टमेंट से ये सारा ट्रैक बिछाया गया था। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों इस ट्रिप में हमारे जो लीडर हैं वो अलग थलग बैठे हुए हैं। खादिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरदार साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी आपकी। खादिम भाई कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ बागों में से होते हुए हम जब यहाँ पहुँचे हैं और ये ऊपर आप दिखा दें तो ये जामन लगे हुए हैं। वाह वाह, ये खा रहे हैं, बैठ पे बैठा हूँ और यहाँ बैठा हूँ, ये खा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त स्टेशन। ये जनाब हमारे प्यारे से क्यूट से रेल ब्लॉगर रजा। रजा क्या ख्याल है आपका? भाई मज़ा आ रहा है रेलवे स्टेशन पर आके, और प्रोग्राम में बोलता हूँ बहुत अच्छा बना है यहाँ का आने का, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बस शारदीय एक्सप्रेस आने वाली है, उसको कवर करते हैं, चारों तरफ आमों के बगा दें भाई, बेस्ट। वाह, तो दोस्तों ये हमारे ट्रिप में हमारे साथ ये अली भाई भी हैं, माशाल्लाह अच्छे ब्लॉगर हैं और टिकटॉकर हैं, और मेरे ख्याल में इतना मशहूर है कि ये नौजवान सारे इनके फैन लगते हैं, इनको घेरे हुए हैं। अलवे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आज उतरने का, सही वरना यहाँ से गुजरते हैं। सही, बाकी ये अभी आए हैं, ब्लॉगिंग करेंगे, मज़ा आएगा। लुक बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है,
भी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। दोस्तों इस वक्त जाहिद साहब को भाई गर्मी लग रही है, सर पे पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या अंकल आपको? बहुत ज़्यादा है भाई, अठारह पानी मजा आ गया भाई। चलते हैं किसी स्विमिंग पूल पर। सही है, बिल्कुल सही बात है, वाटर पार्क चलते हैं। स्टेशन के बिल्कुल ही करीब एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जहां पर स्विमिंग पूल बनाया गया है, साथ ही नौजवानों की तादाद, गर्मी की मौसम में अपनी गर्मी को दूर करने के लिए एंजॉय करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं दोस्त आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से, यार बहुत दूर आए हैं आप इतनी गर्मी में। गर्मी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, बकरे सीज़न है तो इसलिए गर्मी में इस टाइम बहुत तेज़ होती है। सही, तो हमने सोचा ईद का दिन था फारिग से दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोग जो हैदराबाद से आए और पूरी तैयारी के साथ ये अपना खाना वगैरह भी ले आए हैं साथ में, तो यहाँ पर नहाएंगे भी और दोस्तों के साथ पिकनिक का एक समा मांगे। ये पानी यहाँ से खारिज होकर ये आम के बाग को सैराब करता है। दोस्तों इस स्विमिंग पूल पर किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, यहाँ हर कोई आ सकता है और यहाँ पर एंजॉय कर सकता है, यहाँ पर नहा सकता है। तो दोस्तों स्टेशन के करीब ही एक बाग में हम आपको ले आए हैं जहाँ पर ये दोस्त आम को कैटेगराइज कर रहे हैं और ये सॉर्ट आउट करके दो तीन अकसाम बनाएंगे, इससे छोटे आम जुदा होंगे, बड़े जुदा होंगे। माशाल्लाह काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ ये आमों का बाग। और आगे चलते हैं जहां पर ये आम पेटियों में भर के रखा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये मजदूर ये आम पेटियों में भर कर मार्केट तक पहुँचाएंगे। तो अब इस तरफ ये बड़ी रौनक है इन बागों में। ये एक दोस्त मार्का लगा रहे हैं, देखिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देख सब पेटियों पर मार्कर लग गया, हर बंदा अपने काम का माहिर। आज के ब्लॉग का पहला एक्शन 152 डाउन शाह लतीफ एक्सप्रेस। एट टू वन फाइव की लीड के साथ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस आज पास करेगी अभी ताजपुर नसरपुर एक हिस्टोरिकल स्टेशन से, और आप बराह रास्त ये मुलाहिजा करेंगे। Thank you.
पानी से ठंडा थार कर दिया है अपने आप को, थोड़ी सी थकान मिटाने के लिए चाय का कप। अच्छी बनी बेहतरीन। दूसरा एक्शन 155 ऑफ समन सरकार, कोटरी से खोखरा पार तक जाने वाली गाड़ी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मेहनत। हमने अपने दोस्तों के साथ रेल फेनिंग की ताजपुर नसरपुर स्टेशन पर, काफ़ी मज़ा आया और हमें उम्मीद है कि आपको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा ये इल्म व आगही का सफ़र चलता रहे। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी साइट पर बशर्ते हयाती होगी आपसे मुलाकात। आप चाहते इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।